आ गया? कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, सब कुछ हो गया खैरियत से। घर छोड़कर आ रहा हूँ। घर किसे? उरुसा को। क्या आप उरुसा को घर ले आए? कमाल कर दिया आपने, निकाह करने गए थे आपने तो रुखसती भी कर ली। बस वहां सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी, उरुसा को लाना पड़ा। आपको अंदाजा है आपने मॉम और डैड की इजाजत के बगैर इतना बड़ा कदम उठा लिया? कयामत आ जाएगी। डैड तो शायद अपनी भांजी को कबूल भी कर ले, लेकिन मॉम, बहुत बड़ा कदम उठा लिया भाई आपने। ये नहीं होना चाहिए था। आप उन लोगों को अपनी सिचुएशन समझाते, मजबूरी बताते। बताया था, सब कुछ बताया था, लेकिन पप्पा जान ने। खैर, ये रुखसती कल होती या परसों, हंगामा तो होना ही था। मगर अब हंगामा नहीं, कयामत आएगी भाई। लेकिन आप परेशान नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू बीनी। मामा सो रही हैं? जाग रही हैं, और बहुत देर से जाग रही हैं, बार बार आपका पूछ रही थी। हाँ, तुम एक काम करो, तुम घर चली जाओ, रूसा को थोड़ी हेल्प हो जाएगी। मैं मामा के पास जाता हूँ। मैंने उन्हें तसल्ली दी है कि भाई घर गए रेस्ट करने के लिए, थोड़ी देर में आ जाएंगे। भाई आप उरुसा की वजह से परेशान मत हो, मैं अभी घर जाके देखती हूँ, उसे कंपनी दूंगी। आपका यहाँ रहना ज्यादा मुनासिब है। मॉम तो बार बार एक ही बात कर रही थी कि वलीद को बुलाओ, वलीद को बुलाओ। थैंक यू बीनी, थैंक यू सो मच। तुम्हारा साथ मुझे बहुत हौसला दे रहा है। अगर तुम नहीं होती तो मैं अकेले क्या करता? मैं आपकी बहन हूँ, बहनें तो भाइयों पर जान भी कुर्बान कर देती हैं। सब बातें भूल जाओ। ओके, अब तुम घर जाओ, मैं यहीं पे स्टे करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। बाय।